चलो देखो कहाँ तक न्यूमेरिकल कराया था हमने, 21 तक करा दिया था। 22वां देखो, तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनकी संयोजन की तुल्य धारिता बताइए और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है और इनको एक बार समांतर क्रम में जोड़ना है। C1 = C2 = C3 3 माइक्रोफैरड। अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C = C1 + C2 + C3। C1 का मान 3, C2 का मान 3, C3 का मान भी 3, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 3, 1 + 1 + 1, 1/C = 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/C = 1 का, तो C = 1 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C = C1 + C2 + C3 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 9 माइक्रोफैरड इसकी आ जाएगी धारिता जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है तो उनकी अलग अलग धारिता बताइए। देख लो, मान लो तुम्हारे पास दो संधारित्र है जिसमें से एक की धारिता C1 और दूसरे की धारिता C2 है। अगर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, जोड़ने पर तुल्य धारिता, तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 तो 1/C = यहाँ से एलसीएम हो जाएगा C1 C2, यहाँ से हो जाएगा C2 + C1 तो C = C1 C2 / C1 + C2 और ये सी का वैल्यू दिया कितना, 24 माइक्रोफैरड, तो 24 माइक्रोफैरड = C1 C2 / C1 + C2 इसको बना दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर मिल गया, अरे समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने, ये श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाया ना हमने, तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो इस श्रेणी क्रम में 6 दिया है, श्रेणी क्रम में कितना दिया है 6 माइक्रोफैरड, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, तो C = क्या हो जाएगा, C1 + C2, तो C = C1 + C2 का मान कितना दिया, 24 माइक्रोफैरड, 24 = आ जाएगा आपके पास C1 + C2, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। तुम क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में C1 + C2 का मान पुटअप कर दो, C1 + C2 का मान अगर हम पुटअप कर दें समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट से आपको मिल जाएगा यहाँ से C1 C2 = 6 × 24, 6 × 24 = 4, 6 × 2 = 12, 2 = 14, 144। C1 और C2 का मान मिल गया 144 का और C1 + C2 का मान मिल गया 24 का। अगर हम C1 - C2 का मान निकाल लें तो हम दो, ये दो समीकरण बनेंगे, वहाँ से C1 और C2 का मान अलग अलग निकाल लेंगे।
तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 का, माइनस 4 C1 C2 का हो जाएगा। तो यहां से देखो C1 प्लस C2 का मान कितना दिया है, 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 144 का, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, 576 माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 एक कम 4 एक 5, 576 आ गया, 0 आ गया। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो C1 माइनस C2 बराबर कितना आ गया 0। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 व 3 से। तो क्या हो जाएगा आपके पास, C1 प्लस C2 बराबर 24 का और C1 माइनस C2 बराबर 0 का, अगर जोड़ेंगे तो C1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा 2C1 बराबर 24 का, तो C1 बराबर मिल जाएगा 24 बटा 2 का, तो C1 बराबर आपके पास मिल गया 12 माइक्रो फैरड। अब ये समीकरण 2 से अगर हम सॉल्व करें, C1 का मान पुटअप करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा जी, 24 बराबर C1 का मान आपको मिल गया 12 प्लस C2, तो C2 का मान मिल जाएगा 24 माइनस 12 का, तो C2 बराबर भी कितना आ गया जी 12 माइक्रो फैरड। प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी होगी, 12 माइक्रो फैरड होगी। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दो परिवर्तित संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैरड से 10 पीको फैरड से 10 पीको फैरड से 500 पीको फैरड तक बदली जा सकती है, तो संधारित्रों के उनको संयोजित करके कम से कम और अधिक से अधिक धारिता आपको बतानी है। संधारित्र कैसा है, परिवर्तित संधारित्र है। परिवर्तित संधारित्र का मतलब यह होता है कि उसकी धारिता को हम बदल सकते हैं, और इसकी धारिता को हम कहां से कहां तक बदल सकते हैं, ये संधारित्र है, इस संधारित्र की धारिता को हम 10 पीको फैरड से लगाए 500 पीको फैरड तक बदल सकते हैं। तुम मुझे एक बात बता दो, तो इस संधारित्र की सबसे कम धारिता कितनी होगी, 10 पीको फैरड, क्या 10 पीको फैरड से कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम इसको 10 पीको फैरड से ही बदल सकते हैं आगे, और मैक्सिमम कितनी होगी 500 पीको फैरड होगी, और इसके बीच में कुछ हो सकती है, लेकिन कम से कम 10 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो अगर आपको कम से कम धारिता निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसकी कम धारिता लोगे, कम धारिता लोगे कि नहीं, और जोड़ोगे कैसे, जिससे कम आए, और कम कैसे आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इसकी कम से कम धारिता ले लो और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमको धारिता क्या मिलेगी, कम से कम मिल जाएगी। तो हम यहाँ से C1 इजकल टू क्या लेंगे, 10 पीको फैरड लेंगे, और C2 इजकल टू भी 10 पीको फैरड लेंगे, कम से कम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दो। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, C1 का मान 10, C2 का मान भी 10, LCM हो जाएगा 10 का 1+1, तो 1/C बराबर आ गया आपके पास 2/10 का, 2 × 5 = 10, तो C का मान मिल गया आपको 5 पीको फैरड। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी धारिता आ जाएगी 5 पीको फैरड। कब निकाले हैं, कम से कम के लिए हमें काम किए हैं, और अधिक से अधिक निकालना है। अधिक धारिता के लिए क्या करोगे भाई, अधिक धारिता के लिए समांतर क्रम में तो जोड़ोगे ही, लेकिन इसकी धारिताएं कितना लोगे, मैक्सिमम लोगे, इनकी धारिता मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500 पीको फैरड हो सकती है, तो C1 बराबर 500 और C2 बराबर भी कितना लोगे, 500 पीको फैरड लोगे। अब इन्हें कैसे जोड़ दोगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता,
अब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे, सी बराबर सी वन प्लस सी टू, 500 प्लस 500 बराबर 1000, 1000 पिको फैरड हो जाएगा। सौ माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा का क्या होगा। देखो भाई, समांतर प्लेट संधारित्र है, धारिता दे रखा है 100 माइक्रोफैरड का, ठीक है, और इसको आवेशित किया गया है 400 वोल्ट के विभवांतर तक, और इन प्लेटों के बीच की दूरी मान लो प्रारंभिक दूरी d1 इक्वल टू d हो, ठीक है। बाद में क्या कर रहा है, ये प्लेटों के बीच की जो दूरी d थी, यहां से यहां तक की जो दूरी d थी, इसको आधा कर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, d/2 हो जाएगा। तो d2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा d/2 का। करा अब नया विभवांतर बताओ, हमने बताया विभवांतर जो होता है वो भी समानुपाते होता है डी के, होता है कि नहीं होता है। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा V1/V2 बराबर D1/D2 का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखो, हमको चाहिए क्या, V2, तो V2 बराबर हो जाएगा आपके पास V1 × D1/D2 का। पक्षांतर कर दिया इसको, अरे गलत हो गया पक्षांतर, ये ऊपर जाएगा ना जी, D2/D1 का, ठीक है। वैल्यू पुट अप करो, V1 का मान दिया है 400, D2 का मान दिया है आपके पास D/2, और D1 का मान दिया है D से D बर्बाद हो जाएगा, तो V2 बराबर मिल जाएगा 200 वोल्ट। तो नया विभवांतर कितना होगा जी, 200 वोल्ट आ जाएगा। संचित ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, अब बताओ संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो संचित ऊर्जा कितनी रह जाएगी, आप देखो संचित ऊर्जा, तो तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई देखो, यहाँ पर क्या है, 4 माइक्रोफैरड का तीन संधारित्र है, इन तीनों को आपको ऐसे जोड़ना है कि इनकी तुल्य धारिता कितनी आ जाए, 6 माइक्रोफैरड आ जाए। सिंपल सा बात है, अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो 4 माइक्रोफैरड नहीं आएगी, कितनी आ जाएगी, 1/4 + 1/4, 4/3 माइक्रोफैरड आ जाएगी, अगर श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देते हैं। अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ना तो तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें से दो श्रेणी क्रम में हो सकता है, दो समांतर क्रम में हो सकता है, उसके बाद एक श्रेणी क्रम में हो सकता है, ऐसा कुछ इसका रिजल्ट बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो चलो देखते हैं। C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, और C3 बराबर भी 4 माइक्रोफैरड, और C बराबर दिया है 6 माइक्रोफैरड। C बराबर कितना दिया है, 6 माइक्रोफैरड दिया है। अगर जो हम यहाँ से दो को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, दो को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे दो को तो कितना आएगा तुल्य धारिता, 2, और एक उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दो, आ गया 6, हो जाएगा कि नहीं। तो दो को आप क्या करो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ये हो गया आपके पास 2 श्रेणी क्रम में, और इसके साथ एक आप जोड़ दो समांतर क्रम में। अब हम इसकी तुल्य धारिता निकाल सकते हैं, यह है आपका 4 माइक्रोफैरड का, यह भी है 4 माइक्रोफैरड का, और यह भी आपके पास 4 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अगर इस 4 को, पहले वाले 2 को हम कैसे जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, तो 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर। जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास धारिता मिल जाएगी एक बटे सी बराबर एक बटे चार प्लस एक बटे चार का, तो एक बटे सी बराबर दो बटे चार का, तो सी बराबर आ जाएगा दो माइक्रो फैरड का। अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक की जो धारिता मिल जाएगी हमको कितनी हो जाएगी भाई, चार माइक्रो फैरड, चार माइक्रो फैरड अलग अलग दो संधारित्रों को जोड़ने के बजाय इनके जगह पर हम दो माइक्रो फैरड का एक संधारित्र जोड़ सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसकी धारिता आ गई दो माइक्रो फैरड। अब दो माइक्रो फैरड और चार माइक्रो फैरड को कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो दो माइक्रो फैरड व चार माइक्रो फैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो सी बराबर क्या हो जाएगा जी, दो प्लस चार, इसको सी डैश कर दो, सी डैश बराबर कितना जाएगा, छः माइक्रो फैरड आ गया। तो जितना कह रहा था उतना आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, दो को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उनके साथ एक को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो छः माइक्रो फैरड आ जाएगी। तीन माइक्रो फैरड धारिता वाले तीन संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता दो माइक्रो फैरड आ जाए। तीन संधारित्र हैं तीन तीन माइक्रो फैरड के, सी वन बराबर तीन माइक्रो फैरड, सी टू बराबर भी तीन माइक्रो फैरड और सी थ्री बराबर भी तीन माइक्रो फैरड दे रखा है। इनको जोड़ना है और इनका जो तुल्य धारिता निकालनी है, हमको कितना निकालनी है जी, दो माइक्रो फैरड का। ये बात तो पक्का है यार, अगर तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी धारिता आ जाएगी एक माइक्रो फैरड, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगी नौ माइक्रो फैरड। तो ना तो टोटल श्रेणी में है ना तो टोटल समांतर में है, मिक्स है ये, देखते हैं। अगर हम दो को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन बटा दो, और तीन बटा दो में एक समांतर क्रम में कुछ जोड़ोगे तो डेढ़ में तीन जोड़ोगे साढ़े चार आ जाएगा, साढ़े चार आ जाएगा कि नहीं। मतलब दो क्या है, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हैं, तो क्या करो दो को समांतर क्रम में जोड़ दो। आप दो को समांतर क्रम में जोड़ दो, लो हमने दो को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया, यह तीन माइक्रो फैरड का और यह भी है तीन माइक्रो फैरड का। तो तीन माइक्रो फैरड व तीन माइक्रो फैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ये तो को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बटे नहीं सी बराबर आ जाएगा तीन प्लस तीन का, तो सी बराबर आ गया छः माइक्रो फैरड का। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल धारिता आ गई कितनी आ गई, छः माइक्रो फैरड का। इसके साथ तुम क्या करो, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दो, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो यहाँ पर पॉइंट ए कर दो यार और यहाँ पर पॉइंट बी कर दो। ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता देखो भाई, तो क्या करोगे, छः माइक्रो फैरड व तीन माइक्रो फैरड को समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर आ जाएगा आपके पास, नहीं इसको अब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो एक बटे C बराबर एक बटे C1 प्लस एक बटे C2, C1 का मान 6 और C2 का मान 3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से LCM हो जाएगा 6 का 1 प्लस 2, तो एक बटे C बराबर 3 बटे 6 का, तो C बराबर 6 बटा 3, 3 दुना 6, C बराबर आ गया 2 माइक्रो फैरड। तो इनको दो माइक्रो फैरड धारिता लाने के लिए दो को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे और उसके साथ तीसरे वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो दो माइक्रो फैरड आएगी। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है आपको। यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है दो माइक्रो फैरड का, यहाँ पर एक संधारित्र लगा है छः माइक्रो फैरड का,
और यहाँ एक संधारित्र लगा है 3 माइक्रोफैरड का। यह ए है, बी है और सी है। ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता बतानी है, यहाँ से यहाँ के बीच में तुल्य धारिता आपको बतानी है। तो इस इन दोनों के बीच आपको तुल्य धारिता बतानी है। तो यहाँ से पहले इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो देखेंगे यहाँ 6 माइक्रोफैरड और फिर आगे बढ़ेंगे 3 माइक्रोफैरड। एक ही रेखा में पड़ रहे हैं, जब एक ही रेखा में पड़ते हैं तो किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c = 1/6 + 1/3 तो 1/c = 6, 1 + 2 तो 1/c = 3/6 का, तो c = आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफैरड का। अब बताओ भाई, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो अलग अलग संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय उसके जगह पर हम 2 माइक्रोफैरड का एक ही संधारित्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर हम इसको पॉइंट ए करें तो यहाँ से अब जो हमारा चित्र बनेगा इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड का। और इसी के साथ अब ये दूसरा वाला आ गया आपके पास, ये भी कितने का हो गया? 2 माइक्रोफैरड का हो गया। इसको सॉल्व करके आपने 2 निकाल लिया। अब ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो आप क्या करोगे, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, अगर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमारे पास टोटल धारिता, इस परिपथ की कुल धारिता c = कितना हो जाएगा? 2 + 2, तो c डैश बराबर आपके पास मिल गया 4 माइक्रोफैरड का। तो इस चित्र की टोटल तुल्य धारिता, ए और बी के बीच टोटल तुल्य धारिता कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफैरड का आ जाएगा। यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है, नोट कर लो।